सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूँ आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपनी कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो इस कक्षा में भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप उसे नोट करते जाएंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम कक्षा 11 के रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री विषय के रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं के बारे में जानेंगे और भौतिक यानी फिजिक्स के पाठ भौतिक जगत मात्रक और मापन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा 12वीं के तो केमिस्ट्री के ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के बारे में आपको जानकारी देंगे और उसके बाद फिजिक्स यानी भौतिकी के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 2। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। द्रव के गुणधर्म और उनका मापन, वैज्ञानिक संकेतन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को भौतिक राशियों के परिचय से। क्या आप भौतिक राशियों के बारे में जानते हैं? भौतिक राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनका मापन और तौलन संभव हो। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मौलिक राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। आइए एक एक करके इन दोनों राशियों के बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं मौलिक राशियों के बारे में। मौलिक राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें अन्य के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण से समझे तो तापमान, पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान, यह सब मौलिक राशियां कहलाती हैं क्योंकि इन्हें अन्य राशियों के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्क्रीन पर दिया गया टेबल अन्य मौलिक राशियों को और उनके एसआई मात्रक के प्रतीक को दर्शाता है। आइए एक एक कर हम इन मौलिक राशियों के बारे में जानें, जैसे लंबाई, इसका एसआई मात्रक का प्रतीक है मीटर जिसे हम एम से लिखते हैं। द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक का प्रतीक है किलोग्राम जिसे हम केजी से प्रतीत करते हैं। समय, जिसका एसआई मात्रक का प्रतीक है सेकंड। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, जिसका एसआई यूनिट है एम्पियर जिसे हम ए से लिखते हैं। बाकी की मौलिक राशियों को आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। मौलिक राशियों के बाद हमारी दूसरी राशियां हैं व्युत्पन्न राशियां। आइए व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा को देखते हैं। व्युत्पन्न राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें अन्य के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण से समझे तो
त्वरण यानी एक्सेलरेशन, क्षेत्र यानी एरिया, यह सारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। स्क्रीन पर दिया गया टेबल अन्य व्युत्पन्न राशियों को दर्शाता है और उनके एसआई मात्रक का प्रतीक भी दर्शा रहा है। जैसे त्वरण, जिसका एसआई मात्रक का प्रतीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, घनत्व यानी डेंसिटी, जिसका एसआई मात्रक का प्रतीक है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दाब यानी प्रेशर, जिसका एसआई यूनिट या एसआई मात्रक का प्रतीक है पास्कल। बाकी के व्युत्पन्न राशियां आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। भौतिक राशियों को जानने के बाद आइए अब हम इस वीडियो के अपने पहले विषय पे चले, जो है द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। द्रव्य के गुणधर्मों को मापने की दो प्रक्रिया दी गई। पहली है अंग्रेजी पद्धति या इंग्लिश सिस्टम, दूसरी है मीट्रिक पद्धति या मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक पद्धति को अंग्रेजी पद्धति से ज्यादा सुविधाजनक माना गया क्योंकि यह पद्धति दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मीट्रिक पद्धति 8वीं शताब्दी में फ्रांस में विकसित हुई थी। आइए अब बात करते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई यूनिट के बारे में, जो कि मीट्रिक पद्धति का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई यूनिट एक आधुनिक प्रणाली है जो पुराने मीट्रिक सिस्टम पर आधारित है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति भार और माप के 11वें सर्व सम्मेलन यानी 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में स्वीकृत किया गया था। एसआई पद्धति में 7 आधार मात्रक है। आइए एक एक कर हम इन 7 आधार मात्रक के बारे में जानें। स्क्रीन पर दिया गया टेबल एसआई मात्रक के 7 आधार मात्रक को दर्शाता है। जैसे लंबाई, इसका एसआई यूनिट या एसआई मात्रक का प्रतीक है मीटर, जिसे हम एम से लिखते हैं। द्रव्यमान, इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम, जिसे हम केजी से लिखते हैं। समय यानी टाइम, इसका एसआई यूनिट या एसआई मात्रक का प्रतीक है सेकेंड। बाकी के 7 आधार को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लगन के बारे में। पूर्व लगन का उपयोग एसआई इकाइयों के दशमलव गुणांकों को बनाने में किया जाता है। कुछ पूर्व लगन के बारे में आइए जानते हैं। जैसे 10^-12 को हम पिको कहते हैं, 10^-3 को हम मिली कहते हैं, 10^-2 को हम सेंटी कहते हैं। उसी तरीके से 10^12 को हम टेरा कहते हैं, 10^3 को हम किलो कहते हैं और 10^2 को हम हेक्टो कहते हैं। आइए अब हम अपने अगले विषय पे चले, जो है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग 1 और 10 के बीच दशमलव संख्या को 10 से गुणा करने के लिए किया जाता है, जिससे हम कम अंकों से बड़ी संख्या को लिख सकें। वैज्ञानिक संकेतन का एक महत्वपूर्ण भाग है
सार्थक अंक। आइए अब हम सार्थक अंक को जानें। किसी राशि के मापन में प्रयुक्त वे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थ के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, वह अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। 11.2 ml एक संख्या है जिसमें 11 एक निश्चित अंक है और दशमलव के बाद की संख्या यानी 2 यहां पर एक अनिश्चित अंक है। ml यहां पर एक एसआई मात्रा है। सार्थक अंक को ज्ञात करने के लिए कुछ नियम दिए गए। आइए अब हम इन नियमों को एक एक कर जानते हैं। पहला नियम यह कहता है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। 285 में 3 सार्थक अंक हैं। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बनाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। 0.03 एक संख्या है जिसमें एक ही सार्थक अंक है जो है 3। उसी तरीके से 0.0053 में 2 सार्थक अंक है। इस दोनों ही उदाहरणों में गैर शून्य संख्या से पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे। 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। आइए उदाहरण से समझें। 20.03 में 4 सार्थक अंक हैं, यानी 2 गैर शून्य अंक यानी 2 और 3 के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक कहलाएंगे। उसी तरीके से 5.03 में 3 सार्थक अंक हैं, 5 और 3 के मध्य शून्य भी एक सार्थक अंक कहलाता है। किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, परंतु वह दशमलव के दाईं ओर स्थित होने चाहिए। आइए इस नियम को एक उदाहरण से समझें। 0.400 में 3 सार्थक अंक हैं, यानी 4 के बाद वाले शून्य भी सार्थक अंक कहलाएंगे। 100 में 1 सार्थक अंक है क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है और सिर्फ एक गैर शून्य अंक यानी 1 है जो कि सार्थक अंक हुआ। लेकिन 100.0 में 4 सार्थक अंक हैं। दशमलव के बाद वाले संख्या यानी शून्य यहां पर सार्थक अंक कहलाएगा। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने द्रव्य के गुणधर्म और उनके मापन के बारे में जाना। हमने वैज्ञानिक संकेतन के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सार्थक अंक का गणितीय संचालन के बारे में जानेंगे। हम विमीय विश्लेषण के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय मात्रक एवं मापन भाग 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे मात्रक एवं मापन के परिचय से, उसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रकों की प्रणाली, तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे मूल मात्रकों का मापन। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। भौतिक राशियों का मापन किसी निश्चित मानक से तुलना करना होता है, तथा संदर्भ मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी उम्र कितनी है, तो जवाब कुछ इस तरह से आएगा, 16 वर्ष या 17 वर्ष। अब इसको बताई हुई परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में मानते हैं कि आपकी आयु 16 वर्ष है। अब इसमें वर्ष क्या है? वर्ष वह समय अंतराल है जो पृथ्वी सूर्य का एक संपूर्ण चक्कर लगाने में लेती है। अर्थात हम अपनी उम्र को पृथ्वी की कक्षा के समय अंतराल से तुलना करके बताते हैं। इसके अनुसार किसी राशि की माप को किसी मानक के आगे एक संख्या के रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है, और इस प्रकार ही भिन्न भिन्न राशियों को मापा जाता है। जैसा कि आपको बताया कि मापन के लिए एक निश्चित मानक से तुलना करते हैं, इस वजह से पूरी दुनिया में एक राशि के मापन के भिन्न भिन्न मानक बन गए, और इसलिए मात्रकों की अलग अलग प्रणालियां बन गईं। चलिए देखते हैं मात्रकों की प्रणाली। यह प्रणाली इस तरह से है, जिसमें है CGS, FPS, MKS तथा SI। इन प्रणालियों के लिए लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक इस प्रकार हैं। भौतिक जगत की दुनिया में पहले CGS, FPS तथा MKS प्रणालियां आई थीं, और फिर पूरे विश्व में एक मुख्य प्रणाली बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद SI प्रणाली आई, जिसका अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मूल मात्रकों को समझते हैं। मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो किसी भी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते, वह पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। चलिए हम कुछ भौतिक राशियों के मूल मात्रक देखते हैं। यह राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान तथा वैद्युत करंट, जिनके मूल मात्रक तथा प्रतीक इस प्रकार हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और व्युत्पन्न मात्रक पर नजर डालते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं, तथा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। चलिए कुछ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक पर नजर डालते हैं, जो कि हैं बल, ऊर्जा व शक्ति, जिनके व्युत्पन्न मात्रक तथा प्रतीक इस प्रकार हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और लंबाई के मापन पर नजर डालते हैं। लंबाई का मापन आप पिछली कक्षाओं से ही करते आए हैं, जैसा कि आप अपने पैमाने से दूरी मापते थे,
जो कि सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होती थी, और छोटी लंबाई मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स तथा स्क्रू गेज का प्रयोग करते थे। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पृथ्वी से एक तारे तक की दूरी ज्ञात करनी है? तब यह दूरी आप किसी साधारण पैमाने से ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं लंबन विधि का। इसके अनुसार बहुत दूर स्थित किसी पिंड जिसे बिंदु P से दिखाया गया है की दूरी नापने के लिए उस पिंड को पृथ्वी के दो अलग अलग हिस्सों से देखा जाता है, जो कि है पॉइंट A तथा पॉइंट B, तथा दोनों स्थिति के बीच बने कोण को ज्ञात किया जाता है, जिस कोण को हम कहते हैं लंबन कोण। पिंड की दूरी बहुत अधिक होने की वजह से AB को एक चाप मान सकते हैं, तथा हम प्रयोग कर सकते हैं सूत्र चाप बराबर त्रिज्या गुणा कोण, और इसके अनुसार लिखा जा सकता है AB बराबर AP गुणा थीटा, जहां से हमें मिलता है AP बराबर AB बटे थीटा, जहां पर AP उस पिंड तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है। इस तरह लंबन विधि का प्रयोग करके बहुत बड़ी दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और द्रव्यमान के मापन का अध्ययन करते हैं। किसी भी पिंड के द्रव्यमान के मापन के लिए आप सामान्यतः साधारण तुला तथा इसी तरह के और उपकरणों का प्रयोग करते हैं। किसी भी पिंड का द्रव्यमान किसी भी और राशि पर निर्भर नहीं करता है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। परंतु जब हम बहुत छोटे पैमाने पर देखते हैं तो अणु परमाणुओं के द्रव्यमान को किलोग्राम में मापना उचित नहीं दिखता। इसलिए इसे मापने के लिए एकीकृत परमाणु सहित मात्रक का प्रयोग किया जाता है। यह द्रव्यमान की एक मानक इकाई है, जिसे परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके अनुसार 1U बराबर 1 बटे 12 कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, जहां पर 1U का मतलब है 1 एटॉमिक यूनिट, जो एकीकृत परमाणु सहित मात्रक की यूनिट है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और समय के मापन पर नजर डालते हैं। जैसा कि हमने कुछ देर पहले एक उदाहरण में आपकी उम्र के साथ समय को समझा था, इसी प्रकार वर्ष के साथ साथ समय के बहुत से अन्य मात्रक भी होते हैं, जिनके सहारे आप घड़ी में समय देखते हैं, तथा यदि अगर घड़ी ना हो तो आप दिन और रात से समय का अंदाजा लगाते हैं। पर यदि हमें समय को बहुत शुद्धता से मापना हो तो उसके लिए हम परमाणवीय मानक का प्रयोग करते हैं। इसके अनुसार समय एक सीजियम परमाणु में उत्पादित आवधिक कंपन पर आधारित है, मतलब एक सीजियम परमाणु कंपन करने में जितना समय लेता है उस समय की तुलना से इस मानक का निर्माण किया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं और मापन में त्रुटियों के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी मापक यंत्र द्वारा हर माप के परिणाम में कुछ अनिश्चितता होती है। इस अनिश्चितता को त्रुटि कहा जाता है। अर्थात मापन एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से
यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मापन में कुछ अनिश्चितता आना सामान्य है और इस अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। इनको कुछ इस तरह से बांटा गया है जो कि है क्रमबद्ध त्रुटि मतलब सिस्टमैटिक एरर और यादृच्छिक त्रुटि मतलब रैंडम एरर। चलिए हम आगे चलते हैं और क्रमबद्ध त्रुटि से शुरू करते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां वह त्रुटियां होती हैं जो धनात्मक या ऋणात्मक में से किसी एक दिशा में अग्रसर होती हैं। जैसे कि चित्र में यदि आप निशाना लगा रहे हैं और तीर यदि हर बार मध्य बिंदु से कुछ निश्चित दूरी पर जा रहा है तो इसमें त्रुटि क्रमबद्ध त्रुटि होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यादृच्छिक त्रुटि के बारे में पढ़ते हैं। मापन के दौरान अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। चलिए इसको भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में यदि आप फिर से निशाना लगा रहे हैं और इस बार यदि तीर अलग अलग दिशा में जा रहा है तो हर बार कोई निश्चित त्रुटि नहीं होगी और इस तरह की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पढ़ा भौतिकी का परिचय, उसके बाद हमने जाना प्रकृति में मूल बल तथा भौतिक नियमों की प्रकृति तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा मात्रक और मापन का परिचय। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रुटि विश्लेषण तथा सार्थक अंक। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम ठोस अवस्था का दूसरा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज हम कौन कौन से विषयों को पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले हम एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिक्ति के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या से। सबसे पहले शुरू करते हैं आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका वो कोष्ठिका होती है जिसमें घनीय के आठों कोनों में एक एक परमाणु लगा होता है। जो घनीय के एक कोने में जो एक परमाणु होता है उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा ही घनीय के अंदर आता है और बचा हुआ हिस्सा घनीय के बाहर आता है। तो 1/8 को हम गुणा करेंगे 8 से और हमारा जो उत्तर आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में जो कुल परमाणु होते हैं वो 1 होता है। अब बात करते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है, घनीय के आठों कोनों में एक एक परमाणु लगा होता है और घनीय के एकदम बीचों बीच एक परमाणु मौजूद होता है। तो अगर हम इसके लिए कुल परमाणु निकालें तो जो कोने में 8 परमाणु हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया था एक परमाणु का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही घनीय के अंदर है और बचा हुआ बाहर है। तो 1/8 गुणा 8 और साथ में जमा 1। जमा 1 इसलिए किया क्योंकि घनीय के एकदम बीचों बीच एक पूरा परमाणु मौजूद है। तो जब हम जमा 1 करेंगे तो हमारा जो कुल परमाणु होंगे वो 2 आ जाएंगे। तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कुल 2 परमाणु मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु होते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में 8 कोणों में एक एक परमाणु मौजूद होता है और 6 फलक में हर एक फलक में एक एक परमाणु मौजूद होता है। अब यहां से अगर हम कुल परमाणु निकालें तो 1/8 गुणा 8 ये कोनों का जमा 1/2 गुणा 6। जो फलक में परमाणु मौजूद है उसमें एक परमाणु का सिर्फ आधा हिस्सा ही घनीय के अंदर आता है और आधा हिस्सा घनीय के बाहर आता है। तो इसलिए 1/2 क्योंकि आधा आ रहा है अंदर गुणा 6 इसलिए क्योंकि कुल वहां पर 6 परमाणु मौजूद हैं। तो 1/2 गुणा 6 जब हम इसके हिसाब से कुल परमाणु निकालते हैं तो हमारे कुल परमाणु 4 आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा तीनों तरह के घनीय एकक कोष्ठिका में जो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है उसमें जो कुल परमाणु की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ये अक्सर पूछा जाता है इम्तिहानों में। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका में रिक्ति। देखिए रिक्ति वो स्थान होता है जो खाली होता है। किसी भी एकक कोष्ठिका में कुछ स्थान वो होता है जो परमाणु से भरा होता है, साथ ही साथ कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जो खाली होते हैं। तो खाली स्थानों को हम रिक्ति कहते हैं। अब रिक्ति के 2 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है उसे कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति और जो दूसरा प्रकार होता है वो अष्टफलकीय रिक्ति। आइए एक एक करके जानते हैं कि ये क्या होती हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति, जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय मतलब 4 परमाणुओं से घिरी हुई। तो चतुष्फलकीय रिक्ति वो रिक्ति होती है जो 4 परमाणु से घिरी होती है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि 4 परमाणु हैं 4 कोनों में और बीच में जो है एक रिक्ति बन रही है। तो इस तरह की जो रिक्तियां होती हैं इन्हें चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। अब बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में। जब 6 परमाणुओं के बीच में एक खाली स्थान छूट जाता है उसे अष्टफलकीय
रिक्ति कहते हैं, या फिर इसे अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यह रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति वह रिक्ति होती है जो 6 परमाणुओं से घिरी होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं इस पूरे अध्याय में, तो आप इन दो चीजों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब बात करते हैं रिक्ति की संख्या। तो जैसे चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं, तो हम उनकी संख्या भी निकाल सकते हैं। उनकी संख्या निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है वो एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या की दुगनी होती है। मतलब जैसे किसी एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु 4 हैं, तो उसमें जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी वो 8 होंगी, वो दुगनी हो जाएंगी कुल परमाणु की संख्या के। वहीं अगर बात करें कि अष्टफलकीय रिक्तियां, तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु की संख्या के बराबर होती है। हम वही उदाहरण लेते हैं कि एक जो एकक कोष्ठिका है उसमें 4 परमाणु हैं कुल, तो उसमें कितनी अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी, तो उसमें जो अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी वो 4 ही होंगी। तो अब हम अपनी वीडियो के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें सीखी। सबसे पहले हमने पढ़ा एकक कोष्ठिकाओं में अव्ययी कणों की संख्या के बारे में, फिर उसके बाद हमने रिक्ति के बारे में पढ़ा। और मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, ये आप रसायन विज्ञान की जो NCERT है भाग 1, उससे आप ये चीज़ें दोबारा घर जाके पढ़िएगा, और कुछ प्रश्न भी करके आइएगा अगली क्लास में जब आप आएंगे। तो अब देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम सबसे पहले संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ठोसों में अपूर्णताएं के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारे पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का दूसरा भाग। दोस्तों, कल के पाठ में हमने जाना था विद्युत आवेश के बारे में, जिसके बाद आज हम जानेंगे इन्हीं विद्युत आवेश के मूल गुणों को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विद्युत आवेश के मूल गुणों में आज हम बात करेंगे मुख्यतः 3 गुणों की, आवेशों की योग्यता, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम और वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पहला गुण, यानी आवेशों की योग्यता। अब आप सोच रहे होंगे कि यह योग्यता क्या है, तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है, जैसे कि ये बॉल। अब मान लीजिए कि इस बॉल पर कुल 4 आवेश Q1, Q2, Q3 तथा Q4 उपस्थित हैं, और मान लीजिए कि इस वस्तु यानी बॉल पर कुल आवेश को बड़े Q से दर्शाया जाता है। तो यह कुल आवेश यानी Q वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का योग होगा, मतलब Q बराबर Q1 जमा Q2 जमा Q3 जमा Q4। अब मान लीजिए कि Q1 5 कूलम, Q2 1 कूलम तथा Q3 और Q4 ऋणात्मक 3 तथा ऋणात्मक 2 कूलम है। तो आवेशों की योग्यता नियम के अनुसार कुल आवेश Q बराबर होगा 5
जमा एक घटा तीन घटा दो के, जिसे हल करने पर Q आता है धनात्मक एक कूलम्ब के। यानी आवेशों की योज्यता का अर्थ है किसी वस्तु पर कुल आवेश वस्तु पर उपस्थित आवेशों का उनके चिन्ह के अनुसार योग होना। चलिए अब बात करते हैं आवेशों के दूसरे मूल गुण यानी वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। इसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो छड़ हैं, जिसमें से किसी एक छड़ पर कुछ आवेश उपस्थित है और यह दोनों ही छड़ मिलकर बनाती हैं एक निकाय यानी सिस्टम। तो हम देख सकते हैं कि इस निकाय का कुल आवेश है 3 कूलम्ब। अब मान लीजिए कि यह आवेश किसी कारण एक छड़ से दूसरी छड़ पर स्थानांतरित हो जाता है, और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि पूरा निकाय इन दोनों छड़ों को मिलाकर बनता है। तो अब अगर आप देखें तो इस निकाय के कुल आवेश जो स्थानांतरण से पहले 3 कूलम्ब था, आवेशों के स्थानांतरण के बाद भी 3 कूलम्ब ही है। यानी इस पूरी क्रिया में दूसरी छड़ आवेशित भी हो गई किंतु निकाय का कुल आवेश उतना ही रहा। यानी किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आवेशों का तीसरा मूल गुण जो है आवेशों का क्वांटमीकरण। दोस्तों इसे समझने से पहले हम जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर यह याद कर लेते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित किस किस प्रकार से किया जा सकता था। तो अगर आपको हमारा पिछला वीडियो याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित करने की कुल 3 विधियां हैं, संपर्क द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसे हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इन्हें याद करने को क्यों कहा। तो दोस्तों इन तीनों ही विधियों में आवेश का स्थानांतरण होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु में आवेश का वाहक होता है इलेक्ट्रॉन, तो यकीनन स्थानांतरण के समय एक पूरा इलेक्ट्रॉन ही एक से दूसरी वस्तु पर चला जाता है, न कि कोई आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब। यानी किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश Q को ज्ञात करने के लिए हमें बस उस वस्तु पर आए इलेक्ट्रॉन की संख्या जाननी है, और उस संख्या और इलेक्ट्रॉन का आवेश का गुणनफल हमें बताएगा वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा, यानी Q बराबर N E, जहां Q वस्तु का कुल आवेश, N वस्तु पर उत्पन्न कुल इलेक्ट्रॉन तथा E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और दोस्तों यही कहलाता है आवेश का क्वांटमीकरण, जिसके अनुसार कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का किसी वास्तविक पूर्ण संख्या का गुणज होता है। चलिए अब इसी नियम पर आधारित एक प्रश्न समझते हैं। एक प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ने पर उसमें ऋणात्मक 8×10⁻¹ कूलम्ब आवेश उत्पन्न होता है। ऊन से प्लास्टिक की छड़ पर स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि छड़ को ऊन से रगड़ने पर कुल आवेश यानी Q उत्पन्न होता है, जो बराबर है ऋणात्मक 8×10⁻¹⁹ कूलम्ब के। अब वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण द्वारा हम लिख सकते हैं कि Q बराबर है N E के। और दोस्तों क्योंकि हमें निकालना है N यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो बराबर होगी Q बटे E के। चलिए अब इस समीकरण में हम Q तथा E का मान रख देते हैं और इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने पर N बराबर आता है
5×10^12 के, यानी कुल इलेक्ट्रॉन 5×10^12 होंगे। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने वैद्युत आवेश के 3 मूल गुण जाने, जो थे आवेशों की योज्यता, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम और वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको समझ आया होगा। दोस्तों, कल के वीडियो में हम जानेंगे आवेशों के बीच लगने वाले बल और कूलाम नियम के बारे में। तब तक आप अपने घर जाकर आज के वीडियो में पढ़ाए गए विषयों को अपनी पाठ्यपुस्तक से दोहराएं। धन्यवाद। अरे भाई राजू। क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी। हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा? अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी, चलिए जी सर, चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ, चलिए। हाँ हाँ, मीठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिकम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है, यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें, उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी के तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियां और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा है, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है
वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और दो गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।